मैं छत्रधारी सिंह एडवोकेट बड़ी समिति का चेयरमैन बोल रहा हूँ। लगभग क्या परसेंट हुआ हो? 0.88। परिचय पत्र बार काउंसिल द्वारा जारी COP परिचय पत्र अथवा प्रमाण पत्र और साथ ही साथ जो अधिवक्ता AIB परीक्षा पास किए हुए हैं उनका प्रमाण पत्र देख करके ही अंदर जाने दिए जाए। अभी मीडिया पे चल रहा था, अभी कुछ हल्ला हुल्ला हो रहा था कि किसी प्रत्याशी ने जो है किया, तो उसके लिए आप लोगों ने अपना उनका प्रत्याशी, यहाँ जिन लोगों ने फोटो लिया है मतपत्र का, उन वो 5 लोग पकड़े गए हैं जिनका मतपत्र हमने निरस्त कर दिया। कौन वो लोग हैं? अब नाम नहीं बताएंगे। क्या लगता है उनको? नहीं नहीं, दंडित का उनका मतपत्र निरस्त हो गया, बातें खत्म हो गई। चुनाव नहीं लड़ सकते? नहीं, चुनाव लड़ने की बात नहीं है, जो मतपत्र दिए हैं वो काउंट नहीं किया जाएगा। और कुल 23 पद के लिए 63 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी बड़ी समिति में मैं स्वयं चेयरमैन के रूप में हूँ और श्री रामानंद श्रीवास्तव जी हमारे सदस्य हैं, प्रमोद कुमार पाठक जी सदस्य हैं, धर्मेंद्र नाथ शर्मा जी सदस्य हैं, अवधेश कुमार कुशवाहा जी सदस्य हैं हमारे। अभी आधा दिन बीत गया है, अभी कितना दिन? 4 बजे तक चलेगा ये। कितना बच्चों वोट पड़ने का उम्मीद लग रहा है कि 60-70 जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।